थोड़ा बता दो नो बता दो थोड़ा नहीं हाँ मैं बताऊं ना, ये कोई और टाइम ट्रैवल की पिक्चर है, ये बहुत अलग टाइप की कॉन्सेप्ट की पिक्चर है, एक विजुअल ट्रीट है और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट. सो हे गाइस, आई वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज. और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक धमाकेदार मूवी के लीड स्टार कास्ट. मूवी का नाम है बनारस, 4 तारीख को रिलीज हो रही है, 4 नवंबर को, और उसके लीड एक्टर जायद खान एंड सोनल इज विद अस. सो हाय. हाय. हेलो. सो हाउ इज इट लाइक बीइंग इन दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल? बहुत अच्छा लग रहा है सर, घर की फीलिंग आती है. दिल्ली मेरे लिए बहुत नई नहीं है. मैं बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ दिल्ली का. आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक फॉर मी दिल्ली इज ऑलवेज बीन अबाउट शॉपिंग एवरी टाइम. सो व्हेनेवर जनपद तो गए होगे फिर आप. जनपद हाँ, आई हैव गॉन टू मोस्ट ऑफ द प्लेस. एक्चुअली मेरा फ्रेंड है यहाँ बनारस में ही काम किया है, राहुल करके. सो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज द वन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस मी टू मेनी प्लेसेस. बट इसके बिफोर मैं दिल्ली आई हूँ तो शॉपिंग के लिए, अभी फर्स्ट टाइम काम के लिए आई हूँ. तो कैसा लगा बनारस में काम करने का एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक दूसरे के साथ? आपकी केमिस्ट्री ऑफ कैमरा तो लगी रही है ज़बरदस्त. मूवी में क्या देखने को मिलेगा लोगों को? बहुत ज़्यादा देखा, बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी सर. सबसे पहले तो एक अच्छा मैसेज मिलेगा एक दूसरे के कैरेक्टर से ऑडियंस को. और इसके अलावा एक इंटेंस लव स्टोरी मिलेगी. okay. और एक मैच्योर काइंड ऑफ लव स्टोरी मिलेगी. आजकल के लड़के लोग क्या करते हैं, लड़की को देखा प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी पिक्चर में दिखाया है. ओके मैम, टाइम ट्रैवल के ऊपर ये मूवी है, ट्रेलर हमने देखा, भाई शानदार ट्रेलर यार, सच में बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर लगा मुझे. टाइम ट्रैवल के ऊपर ये मूवी होने वाली है. टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट वैसे पहले भी आया है, बहुत मूवीज़ बनी हैं. अभी राधे श्याम वॉज वन ऑफ द मूवी, प्रभास जिसमें थे, और उसमें वो हाथ देख के बताते हैं कि क्या होने वाला है, भाई मेरे को पता चल जाता है पहले. सो इस कंसेप्ट को आप रियल में कैसे देखते हैं? लाइक डू यू थिंक दैट इट रियली एग्जिस्ट इन रियल लाइफ? वो सर ये सब पिक्चरों में अच्छी लगती है, बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि ना ये राधे श्याम है ना ये कोई और टाइम ट्रैवल की पिक्चर है. ये बहुत अलग टाइप की कॉन्सेप्ट की पिक्चर है, एक विजुअल ट्रीट है. और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो जनता को बहुत पसंद आएगा जब वो थिएटर में जब बैठ कर पिक्चर देखेंगे. वो एक सरप्राइज़ हम लोगों ने कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया है. एंड ये पिक्चर टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं है सर, टाइम ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट. अच्छा, इसके अलावा बहुत मोर देन टाइम ट्रैवल. थोड़ा बता दो. नो बता दो थोड़ा. नहीं नहीं हाँ मैं बताऊंगी कि ये रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिल है, उतना ही बता सकते. अरे भाई ये तो सर ने पहले ही बोल दिया था कि खेल रहे हैं दोनों यहाँ. अच्छा मैं जानना चाहूँगा मैम, आपने तो काफ़ी फिल्में की हैं, अवार्ड्स भी आपको मिले हैं काफ़ी. सो बनारस एक थ्रिलर भी है, आपने ऐसा पहले भी किया है, मतलब थ्रिलर मूवीज़ आप पहले भी करते आई हैं. सो आपने इस स्क्रिप्ट को, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस स्क्रिप्ट? फर्स्ट थिंग इज़ दैट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बहुत बहुत बड़ा डायरेक्टर है कन्नड़ा इंडस्ट्री में. मैंने एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मेन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट जयतीर्था सर के साथ काम नहीं किया था. सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द डायरेक्टर लाइक जयतीर्था. सेकेंड थिंग इज़ व्हेन आई मेट हिम एंड हर्ड द स्क्रिप्ट, आई फर्स्ट सेड हैट्स ऑफ टू दिस फेलो, क्योंकि डेब्यू में ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट सिलेक्ट किया उसने, कोई भी सिलेक्ट नहीं कर, इतना रिस्क नहीं लेते हैं. बट ही सिलेक्टेड दैट प्रॉपर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म. और फॉर मी दिस फिल्म वॉज वेरी, आई डू नॉट नो वाई, आई थिंक ये मैं स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर मैंने 2 बार सुना है स्क्रिप्ट, क्योंकि आई वॉज लाइक ओके सर अभी यू टोल्ड मी समथिंग, नेक्स्ट हाउ डिड इट चेंज, अभी आप ये लाइन में जा रहे थे, अभी यहाँ कैसा आया? सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड शूटिंग करने के टाइम पर भी, कंफ्यूज थी. बट फिल्म देखने के बाद आई एक्चुअली गॉट कन्विंस्ड. सो आई एम श्योर ऑडियंस विल गेट कन्विंस्ड. अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट आया वो उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड? हाँ 100%. अच्छा जैसे कि मैम ने बोला डेब्यू मूवी में आपने एक्सपेरिमेंटल रोल लिया है, तो आपको रिस्क नहीं लगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या मेरे फैंस लोगों को पसंद आऊँगा, मैं ये ऐसा कैरेक्टर करता हूँ? सर सबसे पहले जब मैं एक्टर बनना डिसाइड किया मैंने, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में कि जनता क्यों मुझे एक्टर, मतलब वाई शुड दे एक्सेप्ट मी एज एन एक्टर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्यों सब लोग सुपरस्टार करके बुलाएं, मेरी एक कुछ अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए. exactly. मेरा एक कुछ अलग से एक एम्पायर बनाना चाहता था मैं. अगर मैं सेम पैटर्न की अगर मैं पिक्चर करता रहूं तो कौन देखेगा मेरी पिक्चर, कौन मुझे पसंद करेगा?
तो सब समथिंग डिफरेंट करना था। और दूसरी बात ये थी कि एक एक्टर को डेब्यू फिल्म में प्रूफ करना ही है कि दैट ही इज़ अ गुड एक्टर, और पहली पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिट करना ही है किसी भी कीमत पर। अगर एक पिक्चर हिट होने का तो आप दो या तीन पिक्चर फ्लॉप दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब पीपल एक एक्सपेक्टेशन, पहली फिल्म बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट उठाया और मुझे बहुत कंटेंट ओरिएंटेड टाइप की एक पिक्चर चाहिए थी, और 7 साल लगे ऐसी स्क्रिप्ट को ढूंढने में, ऐसे डायरेक्टर को ढूंढने में। तो फाइनली जयती था जी से डायरेक्टर के साथ मेरे काम करने का मौका मिला। नहीं नहीं, बहुत कमाल लग रहा है आपका काम, हमने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत शानदार है, एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही है, काफ़ी व्यूज़ भी आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट, और मूवी तो आपकी हाउसफुल ही जाएगी। थैंक यू। अच्छा, जाते जाते मैम दो लाइनें आप गा देंगी, वो जो आपका सॉन्ग बड़ा ट्रेंड पर चल रहा है, माया गंगे। हाँ, माया गंगे उसका। जी जी बिल्कुल। तरा ही को पूरा वालो तरा है, हाँ हेलो स्वरा ही पामरा हेलो तरा है, नानी का वड़ा है चेना नोड़ता। अरे वाह, मैं मतलब क्या हुआ इसका? अभी एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में और 2 दिन चाहिए मुझे। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। एंड आई रियली विश दिस मूवी मतलब बहुत बड़ी हिट हो जाए, KGF का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। आई रियली विश, सीरियसली मैं खुद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा इस मूवी का। गाइज, आप लोग भी जाना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी जाना है, इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखना। 4 नवंबर से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है बनारस। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो, लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। थैंक यू।